हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, आज मैं अपनी डेली रूटीन के साथ साथ एक बहुत मज़े की एक ट्रिक और एक टिप आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो मैंने खुद यूट्यूब से लर्न करी और वो बहुत बहुत इफेक्टिव रही। मैं उसका रिजल्ट भी आगे वीडियो में शेयर करूंगी और मैंने कैसे वो ट्रिक यूज़ करी वो भी। सो प्लीज़ देखते रहें। अच्छा जी, बेड इज़ डन और सुबह उठ गई थी हस्बैंड के साथ, बट फिर उसके बाद अपनी वीडियो के कुछ काम पे लग गई थी, एडिटिंग वगैरह पे। आज काफ़ी अच्छा दिन है, सनी है, काफ़ी धूप निकली हुई है। देखें, बारिश तो हो रही, हल्की हल्की दिख रही होगी आप लोगों को फुहार, वो तो हर वक्त ही आपको दिखेगी मेरी विंडोज़ पे। बट अदर देन दैट इट्स अ गुड डे टुडे। और ये देखें, ये ट्राईपॉड मेरा, थोड़ा सा कुछ यहाँ पे शूट किया था। इसके अलावा घर पूरा मेरा साफ़ सुथरा, मतलब लाइक साफ़ सुथरा तो नहीं बट सिमटा हुआ है। किचन मैंने सुबह ही क्लीन कर लिया था नाश्ता देने के बाद हस्बैंड को, और जो भी वो लंच लेके गए थे उसके बाद। और फिर उसके बाद मैंने अपनी थोड़ी सी एडिटिंग की थी, थोड़ा सा लैपटॉप पे अपना काम किया था। और उसके अलावा ये पानी की बॉटल है जो मैंने ख़त्म करनी थी, मैं सुबह लेके इसको बैठी थी 9 बजे, और इस वक्त 12 बज रहे हैं और ये पूरी मैंने ख़त्म कर ली है। ये मेरा आज का टारगेट था, क्योंकि पानी यहाँ पे बहुत कम पिया जा रहा है और पानी की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, सर्दी इतनी होती है। खैर, आज काफ़ी धूप निकली हुई है तो दिन काफ़ी बेहतर है। और अभी मैंने सफ़ाई स्टार्ट करनी है, आज मैंने सफ़ाई करनी है, वो जो मेरी वीकली सफ़ाई होती है वो, ताकि हस्बैंड का रूम मेरा। यहाँ तो बहुत ही अच्छी धूप आ रही है भाई, और ये बॉटल इसको जगह पे रखते हैं। चलें जी, फिर सफाई स्टार्ट करते हैं। आज मैंने फाइनली अपनी बालकनी साफ़ कर ली, ये देख सकते हैं आप लोग। ये सब यहाँ पे पिजन्स ने अपनी कार्रवाई की हुई थी। यहाँ पिजन्स का बड़ा मसला है, पिजन्स आ जाते हैं और यू कैन नॉट डू एनीथिंग टू देम बाय लॉ। आप उन्हें किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुँचा सकते, तो उनका जो दिल चाहता है वो करते हैं। खैर, बहरहाल मैंने बहुत अच्छे तरीके से 2-3 दफ़ा बालकनी साफ़ कर ली, और ये मुझे हर हफ्ते ही करनी पड़ती है। तो अब मैंने एक टोटका देखा था, एक रेमेडी देखी थी नेट के ऊपर, सो सोचा फाइनली उसको ट्राई करते हैं। देखिए, हमने यहाँ से लकड़ी से भी ना इनको रोकने की कोशिश की हुई है। खैर, ये देखें, ये मेरा एक बोल है वाइट कलर का। सो मैंने ये रेमेडी देखी थी कि अगर आप वाइट बोल में बहुत सारा थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा चिली पाउडर डाल के ड्राई रख दें तो पिजन्स आपकी बालकनी में नहीं आएंगे। अब इसकी लॉजिक उन्होंने ये बताई थी कि वो उसको खाएंगे नहीं, क्योंकि वो ऐसी पाउडर वाली चीज़ें खाते नहीं हैं, दाना खाते हैं या पानी पीते हैं, तो वो इसको खाएंगे नहीं। लेकिन इसका कलर और इसकी फ्रेग्रेंस बहुत तेज़ होती है और वो उन्हें इरीटेट करती है, सो दे डोंट कम टू द बालकनीज और एनी वेयर जहाँ पर ऐसे मिर्चे और गरम मसाला रखा हुआ हो। तो ये मैंने देखें जी रख दिया है, और मैंने वो बोल यूज़ किया है जो मेरा बिल्कुल नया बोल आया था, मैं लेकर आई थी और रखते हुए गिर के टूट गया है ये देखें, और अब मैं इसको यूज़ नहीं कर सकती, मैं इसका टैग तक नहीं हटाया था, तो मैंने इसे इस यूज़ के लिए रख लिया है। इसको मैं थोड़ा इस तरफ कर देती हूँ ताकि पिजन्स वहाँ मुँह ना मारे और उनको कोई नुकसान ना हो। बाहर आया, लेट्स सी, अब ये ट्रिक यूज़ करके देखते हैं इज़ इट यूज़फुल और नॉट। 2 डेज़ तक मैंने इस रेमेडी को ट्राई किया, यहीं पे रहने दिया इसको और देखा कि कोई फ़र्क पड़ा या नहीं। दिन रात जो पिजन से हमें तंग कर रहे थे, और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग की रूटीन में आपसे शेयर किया रिजल्ट। अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग पीपल। सुबह हो चुकी है और आज हम लोग थोड़ा लेट उठे हैं, लेट एज इनके 8:30 हो रहे हैं, वरना हम लोग 6:30-7 तक उठ जाते हैं। बेड का हाल बुरा है और कपड़े शपड़े सूख रहे हैं, यहाँ कपड़े ऐसे ही हीटर पे सुखाने पड़ते हैं, वरना बाहर तो आप हैंग नहीं कर सकते। और अभी नाश्ता बनाने जाना है, किचन शुक्र है सिमटा हुआ है, वैसे सब कुछ जगह पे है। रात मैंने मुर्ग छोले बनाए थे जो बहुत 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 मज़े के बने थे, और मैंने नहीं खाए थे क्योंकि मेरी इंटरमिटेंट फास्टिंग का टाइम हो गया था खाना बनते बनते, मगर हस्बैंड को बहुत मज़े के लगे थे। तो ये मैंने, यहाँ पे इतनी ठंड होती है कि खाना आराम से बाहर रह सकता है, और रोटी बनाई थी तो तवा गर्म था, वो भी छोड़ दिया था। बाकी ये अपडेट देनी थी आप लोगों को यार कि दिस ट्रिक इज़ एक्चुअली वर्किंग।
ये जो कबूतरों के लिए हमने रखा है ये एक्चुअली काम कर रहा है, और 2 दिन से मैंने कबूतर अपनी बालकनी में नहीं देखे हैं, नहीं आ रहे हैं, और मेरी बालकनी ऐसी ही साफ़ सुथरी है। सो ये मैंने जिस किसी से भी रेसिपी देखी थी, आई डोंट नो, मैं भूल भी गई, मैंने यूट्यूब पे कहीं देखी थी, वो मैं लिंक कर दूंगी उस वीडियो को ढूंढ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बट यार ये काम कर रहा है। तो किसी के भी घर में अगर किसी को कबूतर तंग कर रहे हैं तो वो ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ वर्किंग। तो चलें नाश्ता बनाते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया हुआ है तो वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरी न्यू वीडियो अपलोड्स की। अच्छा जी, ये देखिए मैं आप लोगों को करीब से दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। आपने जहाँ भी आप लोगों को पिजन तंग कर रहे हैं, किसी विंडो पे, बैल्कनी में, कहीं पे भी, रूफ पे, आप वहाँ पे एक व्हाइट कलर का बोल लें, और व्हाइट कलर इसलिए ताकि जो भी चीज़ आपने उसमें डाली है वो नज़र आए, और उसके अंदर थोड़ा सा गर्म मसाला, वो इसलिए क्योंकि उसकी फ्रेग्रेंस थोड़ी तेज़ होती है, और ऊपर से काफ़ी सारा चिली पाउडर डाल के, लेकिन ये ड्राई रहे मेक श्योर, वरना वो लिक्विड होगा तो वो पीलेंगे और उन्हें हार्मफुल हो सकता है। ये डाल के आप रख दें कॉर्नर पे और फिर आप जादू देखिएगा, विद इन अ डे आप लोगों को डिफरेंस नजर आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।